बिहार शिक्षक भर्ती हर दिन एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जा रही है। जब बात बीएड बीटीसी को लेकर हो तो बिहार शिक्षक भर्ती का रुझान और रुख एक नई दिशा की तरफ लेकर चलने वाला है। जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती में कई ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए और मुझे लगता है आपको कुछ को जानकारी भी होगी, कुछ को नहीं भी होगी। जब से बीटीसी और बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद दो धड़ों में बढ़ चुका है। बीटीसी वाले अलग, बीएड वाले अलग, दोनों लोग अपने अपने हिसाब से इस जजमेंट की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन क्या है सच्चाई, इस वीडियो के अंत तक हम बने रहेंगे और कोशिश करेंगे उन सभी तथ्यों को जानने का जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और जानने लायक है। सबसे पहली बात यह है कि प्राथमिक के लिए बीएड एलिजिबल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि प्राथमिक के लिए बीएड नहीं है, अब उसके लिए केवल केवल एलिमेंट्री कोर्स है, डीएलएड, बीटीसी, डीएलएड, यही कोर्स है जो एलिमेंट्री कोर्स है, मतलब जो एलिमेंट्री है, जो डिप्लोमा है, जो डिग्री अभ्यर्थी हैं वो 6 से लेकर 8 तक टीजीटी पीजीटी अन्य बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे, उन भर्तियों में सम्मिलित हो पाएंगे। अब देखना है कि बिहार शिक्षक भर्ती में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वहां पर भी इस जजमेंट को पढ़ा भी गया और एक बात साफ है कहीं ना कहीं कि जो चेयरमैन जी हैं वो चाहते हैं बीएड अभ्यर्थियों को बचाना भी, और एक बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग परीक्षा दीजिए, लेकिन अंत समय हम जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे, तब देख पाएंगे आप पात्र हैं अथवा नहीं। कहीं ना कहीं संशय एक बना हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं, खासकर अगर हम बात करें बीएड के अभ्यर्थी, प्राथमिक एलिजिबल है या नहीं है, यह सबसे बड़ा प्रश्न खुद में छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी यह कह दिया है कि हम ये तब देखेंगे जब हम वेरिफिकेशन करेंगे। कहीं ना कहीं एक बातें लुका छिपी का खेल की तरह है, लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बीएड का एग्जाम, अगर बीएड अभ्यर्थी है तो प्राथमिक की परीक्षा देने जा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रहे कि आप कहीं ना कहीं इस बात के संभावनाओं के तर्कस में बने रहेंगे। इस आधार पर आप अपने स्वाभिमान का प्रयोग करके आप भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि आपने तैयारी किया है, फॉर्म भरा है, तो अगर आपके नजदीक सेंटर हो सकता है कल को बिहार सरकार रिजल्ट भी कर दे तो आप कहेंगे सर हम आपके नाते परीक्षा देने नहीं गए। लेकिन अभी तक स्थिति जो साफ है वो एक तरह से स्पष्ट है कि बिहार शिक्षक भर्ती हो या भारत की कोई भी शिक्षक भर्ती हो, उसको प्राथमिक के लिए वहां पे केवल केवल डिप्लोमा, बीटीसी, डीएलएड के अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करने के साथ अंतिम रूप से नियुक्ति ले पाएंगे, आवेदन तो कोई भी कर सकता है। इसलिए ये बात को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि अब आगे आता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में एक नए मोड़ पर आ गई, अब वहां पर नकारात्मक अंक को हटा दिया गया, इसे अलग अलग अंदेशा लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीएड के अभ्यर्थी संख्या कम हो जाएगी, जो बीटीसी के अभ्यर्थी संख्या है अगर उसमें भी अगर कोई कट ऑफ नहीं पार कर पाएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं सीट खाली ना रह जाए। तो इसलिए वहां के जो सरकार है और यूं कह सकते हैं कि बीपीएससी ने खुद ही निर्णय लिया है कि अब बिहार शिक्षक भर्ती में नकारात्मक अंक नहीं रहेंगे। मतलब पेपर फर्स्ट जो था, जहां पे भाषा था, वो तो क्वालिफाई रह गया, लेकिन जो पेपर सेकंड होना है जीएस का, जहां से आप बीपीएससी पूरी एससीईआरटी को फॉलो कर रही थी, उस एससीईआरटी के आधार पर यह भर्ती परीक्षा होने जा रही है और उस भर्ती परीक्षा में नकारात्मक अंक हटा दिया गया, तो आपके सिलेक्शन होने की जो संभावना थी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही, यूं कहें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अपनी तैयारी को और धार लगा करके, अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, तो आप एकदम पूरी तरह से अब तीर अपने बिहार शिक्षक भर्ती में लगा करके, बिहार शिक्षक भर्ती में आपका तो बाल भी बाका होने वाला नहीं है, लेकिन बीएड के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है और एक सवालिया निशान है, यहां तक यूं कह सकते हैं उनकी अंतिम नियुक्ति पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अंत में क्या होगा ये नहीं जानते, लेकिन अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी तक आप प्रथम दृष्टया मान के चलिए कि प्रथम दृष्टया भी बीएड जो है प्राथमिक से वहां बाहर है। फिलहाल आप अपनी तैयारी कर बेहतर परीक्षा दे सकते हैं और आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें, क्योंकि मैंने कहा ना कल को अगर सरकार वहां पे कुछ ऐसा प्रयोग करती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इजबल हो, तो हो सकता है परीक्षा देने के बाद ही कुछ ऐसा हो पाएगा, इसलिए परीक्षा देने जा सकते हैं आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करके। दूसरी बात, ये पेपर का पैटर्न कैसा होगा, परीक्षा सर पर है और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए भैया बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे, समय से पहले निकलेगा, सेंटर तक आपको पहुंचना है, समय से पहले सेंटर में पहुंचना है, इसलिए एक दिन पहले निकलेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहले याद रखिएगा प्रवेश पत्र लेकर जाना है और अपना पहचान पत्र आपको साथ में लेकर जाना है, दो स्टॉफ फोटो लेकर रखिएगा, हो सकता है स्थिति क्या होगी, आधार कार्ड भी अपने पास सुरक्षित रखिएगा, उसके अलावा आप समय से पहुंचने का प्रयास करिएगा। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे सर बीटीसी की मार्कशीट ले जानी होगी, जी नहीं, बीटीसी की मार्कशीट आपको यहां नहीं ले जानी है, आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि डीएलएड की मार्कशीट ले जानी, यहां ऐसा कुछ नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट और प्रवेश पत्र के साथ आप प्रवेश करके अपनी परीक्षा दीजिएगा। ब्लैक पेन यूज करिएगा ताकि आप बेहतर कर सकें, कम गलती करिएगा, सारे प्रश्न करिएगा, क्योंकि नकारात्मक अंक नहीं है तो लोग कहेंगे सर क्या तुक्का मारना चाहिए, आप कहेंगे मैं तुक्का मारने की बात कहूंगा तो शुरू कर देंगे कुछ और। देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको 100 प्रश्न आ रहे, 20 नहीं आ रहे, छोड़ के आना, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सारे प्रश्न करना है, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी उसमें मदद हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रथम दृष्टया याद रखेगा, आप अपनी तैयारी पर फोकस रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीटेट प्राथमिक के लिए अगर बीएड का रद्द हो जाता है तो आप अपने आप वहां पर भर्ती परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, और आप देख पा रहे हैं कि जिस हिसाब से एनसीटी की जो गाइडलाइन है, जो एनसीटी है वहां पर अपने वेबसाइट पर अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बातें
खनक रही हैं कि कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक की जो राह है वो रास्ता जो बंद हो सकती है, यूं माने बंद हो चुकी है। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अपनी तैयारी को फोकस रखेगा, अपनी तैयारी बेस्ट है, क्योंकि बीटीसी को उनका अधिकार मिल गया, क्योंकि जिन्होंने बीटीसी किया था वो ये बात जरूर जानते थे कि भैया हमें केवल प्राथमिक तक ही सीमित रहना, लेकिन बीएड के अभ्यर्थी बीएड करते समय जानते थे उन्हें प्राथमिक के साथ साथ अन्य बहुत जगह मौके हैं, लेकिन प्राथमिक का डर आए दिन सताता था। मेरे घर में भी स्वयं मेरे परिवार में भी लोगों ने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा, तो मुझे जब बीटीसी करना था तो मैं भी ये सोच रहा था कि अगर मैं बीएड करूंगा तो मुझे मौके मिल जाएंगे, लेकिन मैंने मौके छोड़कर मैंने बीटीसी को प्राइमरी को चयन किया। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्राइमरी में बीटीसी को उनका अधिकार उनको मिल गया। तरह तरह की बातें इस पर बात करने से बहुत सारी बातें बनेंगी, लेकिन हाँ आपको अपने एम पर फोकस रखना है। बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश में यूपी में यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पेट का फॉर्म भी जरूर भरिए, क्योंकि पेट के आधार पर आपको जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है उसमें भी आपको जगह मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को हम शेयर करते हैं और सेव करके रखिएगा, जहां जरूरत पड़े वीडियो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नए सेशन के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई सवाल होगा इस वीडियो में कमेंट करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को खूब लोगों तक पहुंचाइएगा। अगली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।